नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के खास समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बहराइच व श्रावस्ती के लिए करोड़ों की कई योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। तेज हवा व बारिश के चलते उनका हेलीकॉप्टर दोनों कार्यक्रम स्थलों पर नहीं उतर सका। इस वजह से इन योजनाओं का लोकार्पण वापस लखनऊ पहुंचकर वर्चुअल माध्यम से किया गया। मुख्यमंत्री ने बहराइच के लिए 221 करोड़ रुपए की 144 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वही श्रावस्ती के लिए 390 करोड़ 45 लाख की परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर बहराइच के मटेरा विधानसभा क्षेत्र के विश्ववरिया गांव में उतरना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वह नहीं उतर सके और वापस लखनऊ चले गए, जिससे वहां मौजूद लोग मायूस हो गए। हालांकि लखनऊ से उन्होंने जनपद से जुड़े विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम स्थल पर 10,000 लाभार्थी प्रमाण पत्र पाने के लिए पहुंचे हुए थे, जो वापस जाने लगे। हालांकि कुछ समय बाद ही जिला अध्यक्ष श्यामकांत टेकड़ीवाल ने मोबाइल के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ का संवाद करवाया। संवाद के दौरान उन्होंने बहराइच बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना और श्रावस्ती में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत कराने का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों ने बहराइच जिले को स्वास्थ्य और शिक्षा की दृष्टि से बहुत पीछे रखा, लेकिन अब स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों दिशा में कार्य हो रहा है। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री का पूरा फोकस बहराइच जिले में किए गए विकास कार्यों पर था। हम सब जानते हैं कि श्रावस्ती और बहराइच दोनों का अपना ऐतिहासिक महत्व है। श्रावस्ती भगवान बुद्ध की एक पवित्र साधना स्थली रही है। कहते हैं भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक चातुर्मास इसी स्थान पे व्यतीत किए थे। देश और दुनिया अपार आस्था के साथ श्रावस्ती को देखती है। देवपाटन मंडल के चारों जनपदों का केंद्र बिंदु श्रावस्ती है, और इसलिए श्रावस्ती के विकास के लिए सरकार ने पहले से ही इस जनपद की इस कमिश्नरी के 3 जनपद जो आकांक्षात्मक जनपद हैं उनके विकास की एक ठोस कार्य योजना बनाई है। वहां के पर्यटन विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का रहा हो या फिर नए एयरपोर्ट के विकास के लिए, हम लोग जहां तेजी के साथ कार्य कर रहे हैं, वहीं आज 390 करोड़ रुपए की से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुझे श्रावस्ती में आना था, लेकिन वर्चुअली मुझे इन सभी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास की घोषणा करनी पड़ रही है। मैं श्रावस्ती से जुड़े हुए सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं का, उपस्थित नागरिकों का इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ जिसमें इस जनपद के भिनगा और श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र से संबंधित इन सभी परियोजनाओं के लिए हमारे पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक और अन्य कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया। केंद्र और प्रदेश सरकार ने इन परियोजनाओं को जनपद श्रावस्ती के लिए दिया है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को कुशीनगर में भारत के 29वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति और 125 सदस्य प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहेगा। कुशीनगर वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। पीएम मोदी परिनिर्वाण स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। इस एयरपोर्ट पर सबसे पहले श्रीलंका से बौद्ध भिक्षु आएंगे, जिनकी अगवानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई हवाई पट्टी को विकसित करके कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्वरूप दिया गया है। इस भव्य उद्घाटन समारोह को बौद्ध सर्किट में पर्यटकों की आमद को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लगभग 15 देशों के राजदूतों सहित कई गणमान्य व्यक्ति इस समारोह में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में सत्तासीन हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शुरू करने की गंभीरता से पहल की। एयरपोर्ट के लिए आवश्यक एटीसी बिल्डिंग का निर्माण शुरू किया, तो इंटरनेशनल लेवल का बनाने के लिए टर्मिनल बनाने के लिए जापानी तकनीक अपनाई गई। केंद्र और प्रदेश सरकार की संजीदगी में ही काम करने के कारण कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार है। अब लोग इस एयरपोर्ट से इंटरनेशनल उड़ान शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
यूपी विधानसभा में आज विशेष सत्र की शुरुआत हुई है। कार्रवाई शुरू करते हुए सदन में दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। यूपी विधानसभा के विशेष सत्र में आज उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने रविवार को बताया था कि विधानसभा के इस विशेष सत्र के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है। सभी सदस्यों को इस आशय की सूचना भी प्रेषित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि आज आयोजित बैठक में विधानसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन स्वीकार हुआ है। बैठक में नियम 351 नियम 51 की सूचनाएं ली जाएंगी। सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी का 21 अगस्त 2021 को लगभग 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्री कल्याण सिंह जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक गांव मड़ोली में हुआ था। उन्होंने BA LT की परीक्षा उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण कर अध्यापन कार्य शुरू किया। 1962 में वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से प्रेरित होकर सार्वजनिक जीवन से जुड़े। श्री कल्याण सिंह जी एक ओजस्वी वक्ता एवं कुशल राजनेता थे। उन्होंने लगभग 6 दशक से अधिक समय तक सार्वजनिक जीवन में कुछ उच्च मानदंड स्थापित किए। श्री कल्याण सिंह जी अतरौली विधानसभा क्षेत्र से सर्वप्रथम वर्ष 1967 तत्पश्चात 1969 1974 में भारतीय जनसंघ के टिकट पर वर्ष 1977 में जनता पार्टी से वर्ष 1985-89 1991 1993 1996 में भारतीय जनता पार्टी से का वर्ष 2002 में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से कुल 10 बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित थे। वर्ष 2004 एवं वर्ष 2009 में वे लोकसभा सदस्य भी रहे। अपने आप में एक कीर्तिमान और उनकी लोकप्रियता एवं जनप्रियता का द्योतक है। श्री कल्याण सिंह जी जून 1991 से दिसंबर 1992 तक प्रथम बार और सितंबर 1997 से नवंबर 1999 तक दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। आम आदमी पार्टी छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन पार्टी कार्यालय आकाश गार्डन में हुआ। नवनियुक्त कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश भारद्वाज ने कहा कि छात्र युवा संघर्ष समिति दूसरे संगठनों से एकदम भिन्न संगठन है, जिसके पास शिक्षा और छात्रों के संबंध में अपना एक वैज्ञानिक और विकासशील दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में की गई क्रांति को उत्तर प्रदेश के अंदर भी लाने का काम करना है। इसी उद्देश्य को लेकर के छात्रों को बड़े पैमाने के साथ छात्र युवा संघर्ष समिति CVISS से जोड़ा जा रहा है। योगी सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर और बजट लगातार गिर रहा है। ऐसे हालातों को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी के शिक्षा मॉडल को उत्तर प्रदेश में लाना बेहद जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा क्रांति का काम केवल आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। रवि प्रकाश भारद्वाज ने नव नियुक्त कार्यकारिणी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। बहराइच जिले में भारी बारिश व तेज हवाओं के बीच खेत में काम कर रहे 5 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। परिजनों ने सभी को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। घायलों का इलाज चिकित्सकों की देखरेख में चल रहा है। बहराइच संवाददाता उदय मिश्रा के अनुसार खैरीघाट थाना क्षेत्र के बेड़ा गांव निवासी संतोष कुमार, चंदन, जगदीश, ध्रुव कुमार व शाकिर अपना अपना काम करने के लिए गए थे, जहां अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और सभी लोग बारिश से बचने के लिए पास में स्थित आम के बाग में एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उसी दौरान तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली गिरने से ये सभी उसकी चपेट में आ गए। आज थाना खैरीघाट के ग्राम बेहड़ा में दोपहर आकाशीय बिजली गिरने के कारण संतोष कुमार वर्मा उम्र लगभग 45 वर्ष व चंदन मिश्रा उम्र लगभग 33 वर्ष की मृत्यु हो गई है, तथा जगदीश वर्मा, ध्रुव वर्मा, श्यामू वर्मा तथा शाकिर अली घायल हो गए हैं। घायलों का उपचार कराया जा रहा है तथा मृत व्यक्तियों का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले माहौल खराब करने वाले को चेताया है। लखनऊ में पार्टी को पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में सीएम ने कहा कि प्रदेश में अगर कोई भी दंगा करेगा तो उसकी 7 पीढ़ियों को इसकी भरपाई करनी होगी। पंचायत भवन में हुए सम्मेलन में सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकार की फितरत ही दंगों में थी, पहले प्रदेश की पहचान ही दंगा थी, क्योंकि सरकारें दंगाइयों के प्रश्न देती थी और दंगों से प्रदेश की जनता प्रताड़ित थी। झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी, जो दिए बनाता था उसके दिए तोड़ दिए जाते थे, उसके पर्व त्योहार पर अंधेरे कर दिया जाता था। और आपने देखा कि पिछले 4.5 साल में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने दंगाइयों को पहले दिन से ही संदेश दे दिया था कि अगर दंगा करोगे तो 7 पीढ़ियों का पट्टा लिख करके जाना होगा, जो भरपाई करते रहेंगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश में दंगा नहीं हो सकता, प्रदेश में पर्व त्योहार खुशी से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 से लगातार देश में पीएम मोदी के नेतृत्व में काम हुए, वो आप सब देख रहे हैं, मगर उससे पहले जिन लोगों ने शासन किया उनका नारा होता था सबका साथ परिवार का विकास, यानी कि वह अपने स्वयं के विकास के लिए सबका साथ लेना चाहते थे। मुझे याद है 2017 में जब हमें दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में करना था तो दीपोत्सव के उस कार्यक्रम के लिए हमें 51,000 दीपक नहीं मिल पा रहे थे और इस बार हम 9,00,000 दीपक जलाएंगे अयोध्या में। 9,00,000 दीपक और अयोध्या और उसके आसपास के जुड़े हुए प्रजापति समुदाय के लोग ही बना रहे हैं सभी दीपक, सरकार उनसे खरीदेगी फिर दीपक जलाने का काम। मिट्टी पहले वर्ष दिक्कत हो रही थी, उससे पहले क्योंकि सरकारों ने तो सभी तालाब पोखरों पे कब्जा करवा दिया था। मुझे याद थी मेरे पास गोरखपुर के प्रजापति समुदाय से जुड़े हुए लोग आए थे, एक बार टेराकोटा का बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्होंने मुझे बताया था एक बार कि गांव की मिट्टी जहां से लोग लेते थे सपा सरकार ने उसका पट्टा किसी दूसरे को कर दिया है, वो मिट्टी नहीं निकालने देता है। मैंने तब प्रशासन से काफी मेरा विवाद हुआ था कि आखिर इनको मिट्टी क्यों नहीं मिलेगी, मिट्टी मिलनी चाहिए। और हमारी सरकारें हमने कहा अप्रैल से जून तक फ्री में हर तालाब प्रजापति समुदाय के लिए फ्री में मिट्टी निकालने के लिए और कोई रोक टोक नहीं, मिट्टी को इकट्ठा करके रखें और उसमें जरूरत के हिसाब से बर्तन बनाएं। आज समाज का एक जीवन चक्र जो चलता है एक दूसरे पर आश्रित होकर के, आज प्रजापति समुदाय से जुड़े हुए बहुत सारे लोग उस व्यवस्था के साथ जुड़ करके समाज स्वयं के स्वावलंबन के माध्यम से समाज के स्वावलंबन का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, एक पक्ष यह आर्थिक पक्ष और दूसरा पक्ष जो हमारा धार्मिक पक्ष है। पर्व और त्योहार आते थे, जब कमाई करनी है, जब आस्था का सम्मान करना है, तब प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू, दंगा, बड़े बड़े दंगे, क्योंकि पिछली सरकार की फितरत ही दंगों में थी। वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी, वे दंगाइयों को हर प्रकार से प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने का कार्य करते थे और प्रदेश में दंगों से बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित तो होता था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी, जो दिया बनाता था उसके दिया टूट दिया तोड़ दिया जाता था और उसके बाद पर्व और त्योहार को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को पहले से अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करती रहेगी। और भाइयों बहनों, दंगा नहीं हो सकता प्रदेश में। पर्व और त्योहार किस खुशी के साथ मनाए जा रहे हैं, कभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने पूछा भी कितनी जगह मूर्ति रखी जाती है तो मेरे पास जो सरकारी डाटा आए थे वो आए थे 41,000 स्थानों पे। आप सोचिए 41,000 मिट्टी की मूर्तियां रखी जाती है इतने स्थानों, ये तो रिकॉर्डेड है और जो बिना रिकॉर्ड के इसकी संख्या कई ज्यादा है।
मथुरा एनएच 2 पर रिहायशी कॉलोनियों के आसपास के लोग प्रदूषण के बीच जीने को मजबूर हैं। बच्चों व वृद्धों के लगातार बीमार होने की खबरें आती रहती हैं। ये हाईवे का औद्योगिक इलाका है, यहाँ कारखानों से कॉलोनी वासियों का जीवन खतरे में पड़ गया है। तमाम कारखाने प्रदूषण फैला रहे हैं। वही प्रदूषण नियंत्रित करने वाले विभाग ने लंबे समय से इन कारखानों से होने वाले प्रदूषण के प्रति उदासीन रवैया अपनाया हुआ है। टीम को स्वयं समय पर चेकिंग करने के निर्देश हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। यह हालत कोरोना काल में जानलेवा बन गई है। कारखानों में इन दिनों युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और इन कारखानों में लगी चिमनियों से रात दिन धुआं निकलता रहता है। आसपास अनेक रिहायशी कॉलोनियां हैं जिनमें हजारों परिवार रहते हैं। यह धुआं लोगों के फेफड़ों में चला जाता है, जिसका बच्चों व बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं पर बुरा असर पड़ता है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज रेल रोको आंदोलन की हुंकार भरी गई है। लखीमपुर में हुई घटना को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा मथुरा में विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों को रोका गया। इसमें किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने बताया कि लखीमपुर में हुई घटना को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा लिया जाए और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, जिसको लेकर कृषि कानून बिलों को भी वापस लिया जाए। हालांकि मथुरा जंक्शन, भूतेश्वर स्टेशन, कैंट और राय स्टेशन पर सुबह से पेट्रोलिंग चल रही है। भारी संख्या में आरपीएफ और जीआरपी के जवान मुस्तैद हैं। जी बताइए, आज क्या प्रोग्राम रहा है रेलों का? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे भारतवर्ष में आह्वान किया था कि रेलों को रोका जाए। जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई थी, उसमें तय हुआ था कि जो मंत्री है, राज्य गृह राज्य मंत्री, उसका इस्तीफा को बर्खास्त किया जाए। अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसको लेकर संयुक्त मोर्चा का आह्वान था। और जो आंदोलित हैं किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो कृषि कानून उनको देखते हुए ये आज का प्रोग्राम किया गया, और पूरे देशव्यापी आंदोलन है जिसमें राया स्टेशन पर ये ट्रेन प्रभावित की गई है, रोकी गई है। दो दिन से बरसात हो रही है, खेतों में पानी भरा पड़ा है, किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, इसको लेकर भी कोई प्रोग्राम? देखिए, अभी हम यहाँ पे आला अधिकारी हैं, SDM साहब हैं और क्षेत्र के हैं, तो उसमें जो धान की फसल में नुकसान है, सरसों भी और आलू भी लेट हो गया, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे और उनको ज्ञापन देंगे। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर समूचे उत्तर प्रदेश में रेल रोको कार्यक्रम का आयोजन हुआ और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी सुबह से रेल रोकने के लिए मुस्तैद नजर आ रहे थे, लेकिन प्रशासन से चली वार्ता के बाद आखिरकार भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने पीलीभीत के रेलवे स्टेशन पर रेल रोकने की नाकाम कोशिश की। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सतविंदर सिंह को भी सुबह से ही जिला प्रशासन ने नजरबंद कर रखा था। जिले के आला अधिकारी लगातार रेल न रोकने के लिए किसान यूनियन के पदाधिकारियों को मनाते नजर आ रहे थे। इसी बीच कुछ अन्य किसानों ने पीलीभीत रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर बरेली से चलकर टनकपुर जाने वाली विशेष एक्सप्रेस को रोकने की नाकाम कोशिश की और इस दौरान रेलवे के स्टेशन पर किसानों के जोरदार झड़प पुलिस के साथ हो गई और खड़ी ट्रेन पर आंदोलनकारी सवार हो गए और जमकर नारेबाजी करते रहे। फिर किसान यूनियन के लोग प्लेटफॉर्म पर ही धरने पर बैठ गए। पूरे देश भर में रेल रोको अभियान होना था, पीलीभीत में कितनी सफलता मिल पाई है? पीलीभीत में दरअसल हम लोग दूर दराज से क्षेत्रों से चल के आए हैं, पीलीभीत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। हम लोग जैसे पूरनपुर से आ रहे हैं, जगह जगह प्रशासन ने रोक रखा है, हमें हमारे भाइयों को रोक रखा है, घर में नजरबंद कर रखा है, तो हम जैसे तैसे करके यहाँ पहुँचे, थोड़ा लेट पहुँचे हैं। एक ट्रेन जो थी वो अभी निकल चुकी है, लेकिन अब जो भी ट्रेन आएगी उसको यहाँ रोका जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के खास समाचारों में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।